बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को रजनी के किचन में एक बार फिर से वेलकम। ईद आने वाली है, उसके हिसाब से मैं कोशिश यही करती हूँ एक दिन डिज़र्ट दूँ, एक दिन आप लोगों को कोई मीट से रिलेटेड आइटम दूँ। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को कोई बहुत अच्छा स्नैक दूँगी, स्नैक भी कह सकते हैं और इनफैक्ट आपको डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में। बहुत मज़े का, बहुत बहुत डिफरेंट और बहुत इजी, हमेशा की तरह चिकन फहीटा बनाएंगे टॉर्टियाज में। टॉर्टियाज आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास अवेलेबल थी बाज़ार की, यहाँ पे इजीली हमारे कंट्री में मिल जाती है, पाकिस्तान में और जगहों पे भी आराम से मिल जाती है। नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं, सिंपल चपातियाँ हैं हाफ कुक, ये आप लोग घर में भी बना सकते हैं। ये मुझे ईजीली और बहुत रीज़नेबल मिल गई थी, रेगुलर ब्रांड की यानी हमारी लोकल ब्रांड की, तो मैंने ले ली थी। नहीं हो तो आप लोग घर में आधी सी रोटी डन करके इसमें ये चिकन फहीटा की फिलिंग कर सकते हैं। चिकन फहीटा की जो फिलिंग है उसके लिए मैंने क्या किया है, इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हाफ के जी ये ब्रेस्ट फिले के, यानी दो लार्ज ब्रेस्ट फिले के पीसेस थे, उनको मैंने इस तरह से एक स्ट्रिप्स में काट लिया है। उसमें मैंने क्या किया है, 1 टेबल स्पून विनेगर और तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि आप लोगों को स्पाइसेस डाल के दिखाना होता है, टाइम नहीं होता है। बस आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून विनेगर डाल के मैंने चिकन स्ट्रिप्स में डाल के रख दिया। अब इसमें जो कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं बहुत सिंपल और बहुत बेसिक, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो है, ये मेरे पास पिसा वाला है, वैसा वाला हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं 1/2 टीस्पून गार्लिक सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट है। अगर गार्लिक सॉल्ट ना हो तो आप 1 टीस्पून नॉर्मल नमक कर लीजिएगा। अच्छा, 1/2 टीस्पून मेरे पास पेपरिका पाउडर है और 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, यानी दोनों मिला के 1 टीस्पून हो गया। ये स्पाइसेस हो गए जो कि ड्राई हैं, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ पिसा हुआ घर का जीरा। उसके साथ जो वेजिटेबल्स डलेंगी वो ये हैं, एक मीडियम साइज़ की अनियन है जो कि हमने इस तरह स्ट्रिप्स में काट ली है, कैप्सिकम है, क्यूकम्बर है और ये टोमेटोज हैं। कोई शर्त नहीं है, ऑप्शनल है। देखिए, मेरे पास क्यूकम्बर रेड कलर की नहीं थी तो मैंने ये टोमेटोज इस तरह से इनका साइड का पार्ट लेके ले लिया, नहीं है तो कोई मसला नहीं, जो आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। कुछ ये सैलड लीव्स मेरे पास रखे हुए थे वो मैंने ले लिए। अच्छा, गार्लिक क्रश होके चिकन में जाएगा, चिकन फ्राई होगी सारे मसालों के साथ, और ये मेरे पास मतलब पेरी पेरी सॉस रखा हुआ था जो कि हम अपनी टॉर्टियाज पे लगाएंगे। उसके बाद ये चिकन फहीटा की फिलिंग करेंगे और मज़ेदार किस्म के चिकन फहीटा इन टॉर्टियाज रैप्स हम रेडी करेंगे। तो चले चलते हैं फिर स्टोव की तरफ। चले व्यूअर्स, पहले हम लोग इसमें डाल देते हैं सारे ये ड्राई स्पाइसेस जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये चिकन फहीटा में ये रैप्स, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और मैं आप लोगों को किस दिन इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ये टॉर्टियाज की रेसिपी भी दूंगी, आप लोगों को बनाना बताऊंगी, बहुत इजीली बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता है। ये क्रश हमारे पास 2 क्लोव्स थे गार्लिक के, ये चलेगा। बस अच्छे से मैं चिकन में मैरिनेट करूँगी, 5 मिनट्स में इसको रखूँगी, पर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून फ्राइंग पैन में ऑयल डालेंगे, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, मतलब ओवर फ्राई नहीं करेंगे, मतलब आई मीन के मैं इसको हल्का सा स्टर फ्राई करूँगी कम से तेल में, क्योंकि मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल इसमें भी डाला है। देखें आप, गार्लिक और ऑरिगेनो के साथ बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी चिकन फहीटा में। बस इसको फ्राई करेंगे और उसी में से आउट करके उसके बाद जो हमारे पास उसमें रिमेनिंग ऑयल होगा पैन में, उसमें हल्के से सारी वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे, और एक नॉर्मल नॉनस्टिक तवे पे मैं अपने टॉर्टियाज को हल्का सा गर्म कर लूँगी, थोड़ा बटर डाल के या ऑयल डाल के। उसके बाद हम इनके झटपट रैप्स बनाएंगे और मज़ेदार किस्म के हमारे चिकन फ्राइटे टॉर्टियाज रेडी होंगे। तो चलें चलते हैं स्टोव की तरफ। और आप लोग देख सकते हैं मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाला, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है क्योंकि मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था जब हल्की सी मैंने इसकी मैरिनेशन की थी। मैंने ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैंने विनेगर और ऑयल डाल के रख दिया था। ये गार्लिक के जो चंक्स हैं ना, इसी तरह ही करके डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग कलर भी देख सकते हैं चिकन का कितना ज़बरदस्त हो रहा है। बस इसको हम लोग कुक होने देंगे, वाटर अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है ये आउट होगा, इसमें से कुक होना शुरू हो जाएगी चिकन, आपको पता है जल्दी से तैयार हो जाती है, इसका कलर चेंज होने लगेगा और अच्छा सा बारबेक्यू वाला कलर आने लगेगा। तो हम इसको इसी पैन में से निकालेंगे और उसके बाद जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो रिमेनिंग ऑयल में हम सौते कर लेंगे। इस तरह का मैंने एक ये तवा टाइप का सा नॉनस्टिक ले लिया है, इसमें हम मैं अपने टॉर्टियाज को हल्का सा गर्म कर लूँगी, सेक लूँगी जो भी कहें, फिर उसके बाद हम इसकी रैप्स तैयार करेंगे। तो चलें इसको कुक होने तक का इंतज़ार करते हैं। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको लिड लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा वाटर था सब निकल गया है, मैं इसको थोड़ी देर कुक और होने दूंगी ताकि इस पर थोड़ा सा वो टिक्के का लुक आने लगे, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन क्रिस्प क्रिस्प हो जाए बोटियाँ। बस इसके बाद मैं इसको आउट करूंगी और मैं भी इसको दूसरे फ्लेम पे रख देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ। एक दो मैंने कर ली थी इस तरह से, थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल,
और बस इस तरह से हम इन अपनी टॉर्टियाज को किसी भी नॉन स्टिक पैन में गरम कर लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल लगा लें, बटर से मैंने फ्राइंग को ग्रीस कर लिया था, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी इसको मैं टर्न कर लूँगी, ऑलरेडी मेरा फ्राइंग पैन गरम था। और इस तरह से सारी टॉर्टियाज को मैं हल्का हल्का सेक लूँगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सेकने के बाद की शक्ल, कुछ इस तरह से मैंने सारी डन करके रख ली है। और बस चिकन भी हमारी डन हो गई, और इसी फ्राइंग पैन में अब अपनी सब्जियों को अच्छे सौते करेंगे और फिर हम अपनी रैप्स रेडी करेंगे। उसी फ्राइंग पैन में जिसमें से हमने चिकन निकाली थी, हल्के से प्याज को, अनियन को और कैप्सिकम को मैं सौते कर लूँगी। टमाटोज भी डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस मज़ेदार सा इसमें इसी का ही अरोमा आ जाए, जो हमारा रिमेनिंग इसमें सारे स्पाइसेस है। क्यूकम्बर को नहीं करेंगे, बस इसको हल्के से मैं 2-3 मिनट चलाऊँगी ताकि क्रिस्पी रहे, और बस इसके बाद हम वेजिटेबल्स को निकाल देंगे और उसके बाद हम डन करेंगे अपनी रैप्स को। जी व्यूअर्स, चलें अब हम असेंबल करना शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ये पेरी पेरी सॉस था, काफ़ी स्पाइसी होता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मायो गार्लिक सॉस लगा दिया। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्ज़ी, जो आप लोग केचप यूज़ कर लें, कोई सा भी सॉस आपकी फैमिली में पसंद हो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा मैक्सिकन डिश है तो ये स्पाइसी ही पसंद किया जाता है। इस तरह से थोड़ा सा सॉस लगाया आपने, उसके बाद थोड़े से ये सैलड लीफ रख दें अगर आपको सैलड लीफ पसंद है तो। उसके साथ ये चिकन की 1-2 स्ट्रिप्स, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है ये। ऐसा है जैसे कि समझ लें ये मैक्सिकन शवरमा जैसे हम बना रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी होता है, मज़ेदार होता है। इसमें वेजिटेबल्स इसी तरह क्रंची क्रंची मुँह में आती हैं तो अच्छी लगती हैं। ये इस तरह से हमने कुछ अब इस तरह हम कुछ वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं जो हमने उसी फ्राइंग पैन में सौते कर ली थी। एक क्यूकम्बर, अच्छी सी शेप में चीज़ कटी हुई होती है तो मज़ा भी आता है खाने में और प्रेजेंटेबल होता है। बस इस तरह से आप इसको किस तरह रैप करेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह लीजिए और देखें, और बस इसके बाद इसमें एक टूथपिक लगा दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। और ये मज़ेदार किस्म के स्पाइसी टॉर्टियाज हमारी रेडी हैं। चलें अब हम लोग सारे डन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार किस्म के हमारे चिकन फहीटा की फिलिंग के साथ टॉर्टियाज रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के बने, बहुत स्पाइसी, बड़ी मज़ेदार, घर में खुशबू आ रही है। ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। आप लोग भी बनाएं अपने बच्चों के लिए इस तरह डिफरेंट डिफरेंट से स्नैक्स। फीडबैक देते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई रेसिपी लेके बहुत जल्द मिलूंगी बकरीद के ही हवाले से इंशाल्लाह ताला। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दें, इससे मेरी हिम्मत बनती रहती है। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी रखूँगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।